तो ये व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले रिकैप कर देता हूँ। तो गाइस पिछले वाले एपिसोड में दरअसल हुआ ये था कि एना को ना जैसे कॉल जाता है कि भाई मतलब बहन जो भी है तेरे को अगर तेरी गाड़ी चाहिए तो फिर आ जा। और वो निकलती है टॉरस, और वो एक पुलिस वाली है, और ये जो मर्सर लोग हैं ना ये गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा मतलब वही है हमारा साथ लेके वो करना चाहते। तो फिर उसने हमें एक लोकेशन दी थी कि एक गाड़ी जाएगी, तुम उसका पीछा कर दो और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी लोकेशन मिल जाएगी। तो गाइस आज हम जा रहे हैं उसी जो कि लोकेशन है, मतलब वो जो गाड़ी है उसको हम पिकअप करने वाले हैं। तो फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो फिर लेट्स गो। और हाँ गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो हाँ, और लेट्स स्टार्ट। You make my heart beat super fast. तो गाइस फटाफट से मैं इस वाले मिशन को स्टार्ट कर देता हूँ, और इसी के साथ इस मिशन का नाम है गाइस फॉलो द लॉ, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा। तो फिर ये वाले मिशन में करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम एक कॉप को टेल करने वाले हैं, और आप सुनिए इनकी बातें, मैं कुछ बोल लेने वाला। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लोग बड़बड़ कर रहे हैं, और गाइस कॉप जी आ गए हैं, सो लेट्स गो। और इसी के साथ गाइस हमारी ये वाली मिशन यहीं पे शुरू होती है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो राइट में सस्पिशियस कुछ तो है, और उसका 0% बता रहे। तो फिर वो जीटी गेम्स में होता है ना, शायद से वैसे ही होने वाला है। जीटी गेम्स जीटी सैन एंड्रियास में बहुत से मिशन होते हैं, मतलब GTA की सारे मिशन गेम्स में होते हैं, और ये लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। आप मतलब मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बीच बीच में ही बोलूँगा। और ये कंटेनर यार्ड्स के पास क्यों आ गए भाई, ऐसे के कंटेनर यार्ड्स में गाड़ी छुपा के रखी है, ओहो। तो गाइस एना ने हमें बोल दिया है कि यहीं पर रुकने के, इसलिए मैं भी यहीं पर रुक लेता हूँ, वरना शायद से वो हमें देख लेंगे। तो गाइस एना ने मुझे बोला है कि आगे से जाएगा तो भाई आप वो देख लेंगे, तो फिर पीछे से एक सही सा रास्ता ढूंढ जहाँ से हम निकल पाएंगे। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ एक पीछे से रास्ता मुझे दिखेगा या फिर नहीं, नहीं सामने से जाऊँगा। ओके गाइस तो फिर इसी के साथ मुझे मिल गया है रास्ता, और मैं निकल लेता हूँ इन लोगों के पीछे। Maybe she's telling the truth. We'll see. तो गाइस अभी 4% सस्पिशियस हुआ था और मैं बच गया भाई, फटाफट मैं पीछे हो गया, वरना शायद से वो हमें देख लेता। तो फिर से हमें बोल दिया एना ने यहीं पे रुकने के लिए, तो हम एना की बात मानेंगे और यहीं पे रुकेंगे। We need to be quiet. No spot us. Okay, we're clear. Let's go. You and Lucas speaking yet? Nope. We've argued before. Newsflash. Not like that. I think it's best I stay away from him. There's something he's not telling me. Something about him and Bobby. Thought those guys were tight. You didn't live with them. Looks like he's stopping at the lockup. Pull over and wait. Keep it together! तो
गाइस इसी के साथ एना ने हमें बोल दिया था यहाँ पे रुकने के लिए और हमने रुका भी दी गाड़ी। और इसके साथ शायद से ना वो कॉप है ना उसने गाड़ी चेंज कर ली है और अब वो एक खतरनाक सी सुपर कार में बैठा है। और शायद से एना की जैसे गाड़ी चोरी हुई थी ना वैसे ही ये इसकी भी गाड़ी होने मतलब ये कर रहे। और देखो भाई पुलिस वाले भी बहुत सही भगा लेते हैं ये सुपर कार। ओके ना एज यू से ये हमें सिखा रही है यार इसे तो मन कर से बुक्की मारो इंसान निकालो बाहर। पर क्या करें दोस्त है हमारी अभी लेके तो मारनी तो पड़ेंगी इसकी बात। और शायद से हम वेयर हाउस में आ गए जहाँ पे ये लोग अपनी गाड़ियाँ स्टोर करते। तो फिर मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे फटाफट रुकाने वाला हूँ। और इसके साथ मैं और एना आ गए हैं इस वेयर हाउस में छुपके छुपके। और शायद से यहाँ पे एना की गाड़ी नहीं है, देखते हैं यहाँ पे एना की गाड़ी है या नहीं। अगर होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो टॉरेस ने हमें पागल बनाया है। वैसे तो टॉरेस ने पागल नहीं बनाया क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और मतलब शायद से यहाँ पे एना की गाड़ी होनी चाहिए। Full of money, big. That's not mother. और शायद से ये एना की गाड़ी है जो यहाँ पे खड़ी है, शायद से कंफर्म नहीं। Mercer, this needs to stop. If we're doing this, we need a plan. We'll figure something out. Okay, guys, so then एना ने डिसाइड कर लिया कि अब मर्सर की हम सब मिलके मतलब बजाने वाले हैं, मतलब इसे एकदम पागल स्क्रू कर देंगे जैसे कि इसने कहा है। और हमने कहा कि अगर तुम्हें ये करना है तो फिर एक खतरनाक सा प्लान लगने वाला है। तो एना ने बोला है फिर ठीक है मैं कुछ तो कर लूँगी उसका। तो फिर अभी नेक्स्ट वाला जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही सही होने वाला है क्योंकि गाइस उस वाले में हम एक खतरनाक सा प्लान करके फ्रैंक मर्सर को मतलब वैसे उसको इसे परेशान करने वाले। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है और ज़रूर देखना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक लिए गुड बाय। और हाँ सब्सक्राइब करो।